बेसिक नहीं है कि मैं कोई सवाल जवाब ही करे बात किसी एक का पता नहीं कुछ था कि आपने हमें डिपेंडेंट बना दिया सो बाकी लोगों का क्या राय है इसके बारे में हम डिपेंडेंट कहेंगे कि क्या कहेंगे क्या राय इज अ वर्ड डिपेंडेंट ओके फॉर दिस हैबिचुअल हो गया सो इसमें फर्क क्या है कंफर्टेबल है मगर मैं कुछ बोल नहीं जरूर बोलिए एक्चुअल में हमें ये लगता है अगर कोई चीज जैसे डिसीज आती है या स्टार्ट होती है अगर इसको हम डिसीज कहें तो हर चीज का रेमेडियल होता है कि वो कुछ टाइम बाद जो उससे छुटकारा मिल जाता है अब लाइफ लॉन्ग आज इस चीज के अंदर हम चल रहे हैं कंफर्टेबल है नो डाउट अब तो ऐसा इतना कंफर्टेबल है कि हम अगर एक दिन भी अगर इसको मिस करते हैं तो बड़ी मुश्किल लगती है अनकंफर्टेबिलिटी रहती है पहले इनका बैक पेन होता है कि आप तो ठीक कह रहे हैं कि आप डिपेंडेंट हो गए इस पर अच्छा मैं दैट मींस ही नीड्स इट दैट इज अ नीड एक्चुअल में मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो हमारे रिलीजियस टूल्स बहुत लगते हैं जो कि काफी इंटीरियर में होते हैं धर्मशाला वगैरह वहां होती है एक दो बार क्या हुआ कि मैं बैग कैरी करके ले गया वहां पे पॉइंट्स नहीं होते वो इतने थोड़े इंटीरियर वाले हैं एमपी वगैरह में दर्द तो वहां पे नींद नहीं आई सुबह हम लोगों की वो यात्रा दर्शन ये वो नहीं हुए तो कहने का मतलब ये कि क्या कोई पॉइंट ऑफ टाइम या कोई चीज ऐसी आएगी कि जब हमें किसी तरह से इस चीज से छुटकारा मिले और हम अपने आप में कुछ नेचुरल मतलब आई थिंक सभी का यही सवाल है सभी का बिल्कुल राइट क्वेश्चन है और भी यही सवाल मैंने बोल दिया यू वांट टू ऐड एनीबॉडी वांट्स टू ऐड समथिंग या आई जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग इट्स बीन वन ईयर आई एम यूजिंग दिस मशीन एंड फैबुलस रिजल्ट्स बट जैसा कि आप लोगों का सवाल कि कब छुटकारा मिलेगा मैंने ये देखा कि आई स्टार्टेड वेकअप इन द मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक एंड उसके बाद में थोड़ा सा वॉक करना शुरू किया एंड यूट्यूब सर्च करते करते मैंने कुछ हैबिट्स के बारे में देखा तो मुझे पता लगा कि खाने में अगर हम चेंज करें हैबिट्स तो उससे भी बहुत वेट लूज होने में काफ़ी फर्क मेरा वेट 82 था पहले अभी 67 के करीब आ गया है विद इन वन ईयर ऑफ स्पैन एंड उससे क्या हुआ कि ये भी कम होना शुरू हो गया तो मुझे अभी रिजल्ट पता लगेंगे मशीन है तो इससे सो लेट्स से कि आपने क्या ऐसा किया एक साल में कि फ्रॉम 82 यू कम टू 67 या ओके तो क्या किया मैंने सच मानिए कि मैंने बिल्कुल डाइट पूरी की पूरी चेंज कर क्या चेंज किया ये बताओ बिल्कुल तो सच में मैं मॉर्निंग में पहले फ्रूट्स फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने मॉर्निंग में फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाए और मिड में आफ्टरनून में सैलेड और नाइट में भी सैलेड सिर्फ सैलेड नो ऑयल नो चपाती नो बिल्कुल कार्ब्स और दाल सब्जी भी नहीं बिल्कुल नो कार्ब्स मैंने बिल्कुल तेल नो कर दिया और तेल नो करने के लिए जीरो ऑयल बिल्कुल और तेल उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मुझे लगा कि ये वेट लूज हो रहा है और अब मैं जो डाइट लेता हूँ मॉर्निंग में दलिया लेता हूँ और उसके बाद मिड में मैं सैलेड सिर्फ सैलेड और रात में चपाती ले लेता हूँ चपाती दाल बस तो सैलेड में क्या है नॉर्मली खीरा टमाटर प्याज बट नो ड्रेसिंग नो ड्रेसिंग नो मेयोनीज नथिंग सिर्फ नींबू नींबू वेट करता है फ्रूट क्या खाया फ्रूट जो सीजनल फ्रूट था वो ही खाया मैंगो मैंगो बिल्कुल सीजन में जो आया मैंगो मैंगो खाया और क्या कहते हैं ऑरेंजेस वगैरह ये सारी चीजें खाई और तो जो 3 महीने आपने ये किया उसमें डिड यू फील कि मैं बहुत वीकनेस फील हो रही है मेरे से कुछ काम नहीं हुआ जा रहा आप यकीन माने कि आई एम मोर एनर्जेटिक जब ये मशीन लेने से पहले मैं दिन भर मतलब सोता रहता था आई एम वर्किंग विद द एन और आप लगा लीजिए 8 से 10 घंटा बैठने का काम है एंड ये लगा लीजिए कि उस समय भी मेरा मैनेजर मुझे कह रहा था यार ये बहुत ड्रास्टिक हो रहा है कि तुम सो रहे
फ्लोर पे मैंने देखा है कि सो रहे, मतलब ये चीजें चेंज हुई और मतलब लकीली आई केम टू नो अबाउट डॉक्टर एंड शी चेंज माय लाइफ. थैंक यू. नहीं नहीं, सी आई से दैट वी चेंज अ लिटिल बिट, बट आपका एफर्ट बहुत ज्यादा. यस यस यस. इसमें एक वन थिंग मेरा सवाल ये है, इसे दौरान इस ड्यूरिंग द पीरियड आपने वेट कंट्रोल किया और डाइट के हिसाब से किया, मगर व्हाट अबाउट मशीन की, अभी आपका ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आया कि आपको मतलब नेचुरल स्लीप हुई? हाँ, ये यही मैं बताना चाह रहा था कि मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे ना ऑब्जर्व करो, कि कोशिश ऑब्जर्व करो जब हम सो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करो चुपचाप से मेरी ये मशीन बता दो, जिससे कि मतलब मैं सोता रहूं. और फिर पता लगे कि मेरे खर्राटे स्नोरिंग प्रॉब्लम थी, तो उसने बताया धीरे धीरे कि हाँ ये कुछ टाइम पे कम हो जाते हैं लेकिन फिर बढ़ जाते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ अभी और करना जरूरी, वेट लूज करना और एक्सरसाइज, थ्रोट की एक्सरसाइज, क्योंकि मेन पार्ट यहीं से है. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि सोते समय हमारे जो यहाँ गल सकते, बाकी एवरीथिंग वी आर गेट. नो नो, आई थिंक ही इज ब्रॉट आउट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो लेट्स टेक हिज पॉइंट एंड देन कम टू हिज पॉइंट, है ना. सो आई थिंक इफ वी एड्रेस दैट, सो यू शब्द है ना डिपेंडेंट, एंड आई थिंक समबडी टॉक्ड अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नीड. तो हम अगर खाने में नमक भी डाल रहे हैं, चाय में चीनी भी डाल रहे हैं, तो उसको हम डिपेंडेंस कहेंगे? यस, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंसी. और इज इट नीड? अगर बॉडी में सॉल्ट नहीं जाएगा, नहीं, इट्स अ नीड ऑल्सो. अगर आप हफ्ता भर के लिए खाने में नमक नहीं डालेंगे तो क्या होगा? सो इट्स अ नीड. अगर आपको रात को जब आप सोए आपके ब्रेन को और हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स अ नीड ऑल्सो. सो व्हाट दिस बीमारी डज, इट डजंट अलाउ, सिंपल शब्द में बहुत कुछ और करती है, बट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती ना ब्रेन को, ना हार्ट को, ना मसल्स को, ना लिवर को, ना किडनी को. सो उसका जो रिजल्ट है वो एक तो अगले दिन दिखेगा, विच इज व्हाट पीपल नॉर्मली कम विद, कि आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपी, बहुत सारी मसल एक्स, बॉडी पेन्स, अलग अलग इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, सारा कुछ. और कुछ आएगा कुछ समय के बाद. समय के बाद इज हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स, एंड ऑफ कोर्स आल्सो सम अमाउंट ऑफ अर्लियर डेथ्स. सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म. सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस फैक्टर. सो द नंबर वन थिंग इज दैट वी हैव टू ट्रीट दिस डिजीज टू स्टॉप द इम्पैक्ट, चाहे आपके अगले दिन में, चाहे लॉन्ग टर्म. So, coming to this question, is this a lifelong thing? So, कुछ चीजें medicine में होती हैं जिनका treatment अगर हम एक time कर लें तो खत्म, जैसे कि malaria, typhoid. So, आमतौर ये क्या बीमारियां हैं? Infectious disease. किसी bacteria से हो गई, पेट खराब हो गया, गला खराब हो गया, all that. कुछ चीजें बीमारियां हैं lifelong. So, these are internal प्रॉब्लम्स, तो उनकी ट्रीटमेंट ऑल्सो विल बी लाइफ लॉन्ग. जैसे ब्लड प्रेशर, सो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सो वी हैव टू कंटिन्यू. सो वी डोंट कॉल दैट कि हम डायबिटीज की मेडिसिन, मे बी यू आर डिपेंडेंट, बट दैट शब्द हैज अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन. सो द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ नेगेटिव इम्प्लीकेशन, इट विल अफेक्ट आर थॉट्स अबाउट दैट ट्रीटमेंट. So the moment you have a positive thought, how has it made me better, how has it helped me, you will be better. Inke do points the. So ek to he said ki when I used the machine, my energy got better, I felt better, I was more alert. Then he lost the weight. Aam taur jo weight loss hota hai na, jo pehle 2-3 mahine logo ka sabse pehle ye hota hai ki oh, bahut kamzori ho jayegi agar main khana nahi khaunga, mere se utha nahi jayega, kaam nahi kiya jayega. आप कह रहे हो चपाती कम कर दो तो कैसे करूंगा, तो ही इज टेलिंग यू ही गॉट मोर एनर्जी. सो समथिंग डजंट टेल यू. सो आर थॉट्स ऑफ नेगेटिविटी विल प्रमोट नेगेटिविटी, आर थॉट ऑफ अ पॉजिटिव आउटकम विल प्रमोट अ पॉजिटिव आउटकम. सो
इज देयर सम नेचुरल रेमेडी इज द नेक्स्ट थिंग. उसके लिए वी अगेन टेक हिज एग्जाम्पल. सो इफ यू टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ स्लीप एपनिया, ओएसए क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, ठीक है. सो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, नींद, स्लीप मतलब नींद, एपनिया मतलब उसके रात में जो आपके सांस में रुकावट आ रही है. उसका एक सिम्टम है स्नोरिंग, ठीक है. बाकी सिम्टम्स आप सब लोगों को पता ही. सो इफ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ परमानेंट क्योर फॉर स्लीप एपनिया, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्लीप एपनिया होता क्यों. तो उसमें वन रीजन इज वेट, ठीक है. बट वन रीजन बोल रही हूँ, वेट इज नॉट द ओनली रीजन, बट इफ वेट इज द रीजन वी डेफिनेटली हैव टू अटैक इट फ्रॉम ऑल एंगल्स टू गेट रिड ऑफ, बिकॉज इट विल वर्सन एनी एग्जिस्टिंग रीजन. सेकेंड रीजन इज फेशियल स्ट्रक्चर, आपका चेहरा कैसे है. हर एक इंसान का, इफ वी हैव 20 पीपल, 15 पीपल इन दिस रूम, आर फेशियल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट. फेस का स्ट्रक्चर मतलब के, तो क्या चीजें हैं जो हमारे ब्रीदिंग पैसेज को बनाती है. ऊपर का जॉ, नीचे का जॉ, नोज की बोन्स, नोज का स्ट्रक्चर, तालुए का स्ट्रक्चर, जीभ का स्ट्रक्चर, थ्रोट का स्ट्रक्चर. दिस इज पार्टली जेनेटिक्स. आपकी फैमिलीज में देखेंगे तो रिजेम्बलेंस नहीं कहते, सिमिलैरिटी. तो रिजेम्बलेंस इज कमिंग थ्रू जीन्स. आप सो ये कुछ ऐसे खुला होना चाहिए या बनावट होनी चाहिए कि हमारा जो ब्रीदिंग पैसेज है वो खुला रहे. एंड इफ दैट हम बने ऐसे हैं कि हमारा वो ब्रीदिंग पैसेज नैरो है, तो सो वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज थिन स्लीप एपनेक्सी. सो आई डोंट वांट टू टेक हिज एग्जांपल, बट हिज चिन इज थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी दांत पीछे, तो माउथ इज स्मॉल.